नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आज आप सब लोगों को अपनी नई गजल सुनाने जा रही हूं। गजल जिस धुन में सुनाने जा रही हूं वो बशीर बद्र साहब जी की धुन थी और वो मंचों पर इसी तरह से पढ़ा करते थे। तो आज बहुत समय बाद मुझे लगा कि मैं ये ऐसे ही पढ़ती हूँ, बस मेरा मन किया। और वैसे तो मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन हमेशा यही समझती हूँ कि चाहे ना मिली हूँ लेकिन मैं बशीर बद्र साहब के गज़ल के स्कूल की ही पास आउट हूँ, यही मान कर मैं चलती हूँ। और आज आप सब लोगों को सुनाती हूँ ये नई गज़ल बिल्कुल उन्हीं की तरीके से। आप सुनिएगा, आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुनिएगा, मतलब हाजिर करती हूँ, सुनिए। कहीं पे हंसी कहीं गमजदा, सी जिंदगी की किताब है। कहीं पे हंसी कहीं गमजदा, सी जिंदगी की किताब है। किसी और अश्क वरक पे है, किसी और अश्क वरक पे है, किसी और सूखा गुलाब है। पहला शेर हाजिर करती हूँ इस गजल का, सुनिएगा। ये हंसी नहीं है बिलावजह, मुझे तेरी आंखें बता रही। ये हंसी नहीं है बिलावजह, मुझे तेरी आंखें बता रही। ये मेरे तवील सवाल का, ये मेरे तवील सवाल का, तेरा मोहत सरसा जवाब है। अगला शेर पढ़ती हूँ इस गजल का। इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया है धनक, धनक का अर्थ होता है इंद्रधनुष। और ये लॉकडाउन में हुआ था ये शेर, जब मैं पेंटिंग्स कर रही थी। सुनिएगा। यूं ही एक टक मुझे देख तू, मैं धनक के चित्र उकेर लूं। यूं ही एक टक मुझे देख तू, मैं धनक के चित्र उकेर लूं। तेरी स्याह आँखों की झील में, तेरी स्याह आँखों की झील में, मेरा सात रंगों का ख्वाब है। इस गज़ल का अगला शेर पढ़ती हूँ और ये इस गज़ल का सबसे कीमती शेर है। इसे कहने में मैंने 3 साल लगा दिए, इंतज़ार किया इसके होने का। मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना था चनाब, चनाब जो नदी होती है, उसमें आपने सोनी महिवाल की कहानी ज़रूर सुनी होगी। बस वहीं से इस चनाब शब्द को मैंने उठाया है और कैसे प्रयोग करने की कोशिश की है, सुनिएगा। यूं भी उम्र मैंने उदासियों की लहर पे चल के गुजार दी। यूं भी उम्र मैंने उदासियों की लहर पे चल के गुजार दी। यहाँ इश्क डूबा है आखिरश, यहाँ इश्क डूबा है आखिरश, मेरा दिल है या कि चनाब है। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कभी शाखे दिल पे ठहर गई, कभी खुशबुओं सी बिखर गई, कभी शाखे दिल पे ठहर गई, कभी खुशबुओं सी बिखर गई। ये
गज़ल बस एक गज़ल नहीं, ये गज़ल बस एक गज़ल नहीं, मेरे हर जन्म का सवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।